बारह के साहित्यिक और सामान्य बच्चों को रत्ना मैम का प्यार भरा राधे राधे। बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने सुमित्रा नंदन पंत के बापू के प्रति शीर्षक से संबंधित पद्यांश आपको पढ़ाया था। आशा करती हूँ कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए उसी के आगे पढ़ाते हैं। बस अब दो लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और उसके बाद अब हम व्याकरण उठाते हैं, व्याकरण पढ़ाएंगे और जैसे मुझे लगेगा कि व्याकरण कितना पढ़ाना चाहिए पढ़ाने के बाद फिर हम पद्यांश पर आएंगे। तो जो बच्चे व्याकरण पढ़ना चाहते हैं उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और दो लेक्चर के बाद उनको भी व्याकरण पढ़ना होगा। तो चलिए, आप लोगों को अगर पिछला लेक्चर समझ में आया हो बेटा तो आप लोग लाइक करें या नहीं, अगर नहीं करे हैं तो अभी पहले आप लाइक कर दिया करिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखा करिए। तो ये मैं हूँ जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और अपने बारे में तो जानकारी आपको दे ही चुके हैं हम। ये सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है जो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आप लोग सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जान जाइए। और लेकिन जितना डिटेल मैंने बताया था उतने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और उसे व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए अब उसी के आगे हम चलते हैं। दे दीजिए ना। चलिए, परिवर्तन आपको पढ़ाना नहीं है तो आते हैं हम बापू के प्रति। पहला पद्यांश, पहला पैरा हमने आपको पढ़ा दिया था, दूसरा पैरा अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें कि पंत जी ने गांधी जी के आत्मिक विकास और नवयुग निर्माण में उनकी भूमिका का उल्लेख किया है। किस प्रकार से उन्होंने अपनी आत्मा का विकास किया और साथ ही साथ नवयुग के निर्माण में उन्होंने किस तरह से अपनी भूमिका को उजागर किया है, उसी का वर्णन यहाँ पर पंत जी ने किया है। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। तो यहाँ पर पंत जी कहते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे बापू, प्रायः इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं तो वो जन्म लेकर के सुख की कामना करते हैं। इस संसार में सुख भोग खोजने आते सब, हे बापू, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी केवल सुख की कामना करता है। आए तुम करने सत्य खोज, परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। आपने सुख को नहीं खोजा, आपने सत्य की खोज करने के लिए जन्म लिया है। तो वही सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। तो पंत जी बापू को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में प्रायः सभी प्राणी जन्म लेकर के सुख की इच्छा करते हैं, अर्थात सदैव सुख में डूबे रहना चाहते हैं, परंतु आप उससे अलग हो। आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए ही अवतार लिया है। जग की मिट्टी के पुतले जन, पंत जी कहते हैं कि मानव
मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, जग की मिट्टी के पुतले जन। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो मिट्टी से बने हुए एक पुतले के समान है, और वो यहाँ मिट्टी का पुतला बन करके आता है और अंत में मिट्टी में जा करके मिल जाता है। मिट्टी का पुतला है और अंत में मर करके वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। तुम आत्मा के मन के मनोज, मनोज माने कामदेव या कमल। तो तुम आत्मा के मन के मनोज। फिर वो कहते हैं, हे बापू, आप भी मिट्टी के बने हुए पुतले थे। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने हुए पुतले थे, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में आत्मा, सत्य आत्मा निवास करती थी। जग की मिट्टी के पुतले जन। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति मानव से, प्रत्येक मानव मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है, मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, और वह यहाँ मिट्टी से बन करके आता है और अंत में मिट्टी में जा करके मिल जाता है। आप भी मिट्टी के बने हुए थे आत्मा के, परंतु आपके उस मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी, और मन के मनोज तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। मन के मनोज, आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। जड़ता माने मूर्खता, स्पर्धा माने प्रतिस्पर्धा। तो जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, आपने भारत की जो अकर्मण्यता, हिंसा तथा प्रतिस्पर्धा को दूर करके, जड़ता माने मूर्खता, लोगों के अंदर व्याप्त मूर्खता, हिंसा और प्रतिस्पर्धा की भावना को दूर करके चेतना अहिंसा नम्र ओज, उनमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति को जागृत किया। चेतना अहिंसा नम्र ओज, आपने समाज में व्याप्त या लोगों में व्याप्त मूर्खता, हिंसा और प्रतिस्पर्धा की भावना को दूर करके उनमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति को जागृत किया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज बना दिया, पशुता माने पाश्विक शक्तियाँ या पाश्विक प्रवृत्तियाँ। तो पंत जी कहते हैं कि आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की कीचड़ में उत्पन्न, अब आप कहेंगे पशु, पशुता माने पाश्विक प्रवृत्तियाँ। पाश्विक प्रवृत्तियों का तात्पर्य है यहाँ पर, पाश्विक प्रवृत्तियों से तात्पर्य है वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा, यही सब पाश्विक प्रवृत्तियां हैं। तो पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो वही पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की कीचड़ में उत्पन्न हो करके भी स्वयं को सत्य, अहिंसा और त्याग के गुणों से समन्वित करके मानवता रूपी सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। आपने कैसे वातावरण में जन्म लिया जहाँ वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ फैला हुआ था, और ऐसे कीचड़ में उत्पन्न होकर के आपने स्वयं को सत्य, अहिंसा और त्याग के गुणों से समाहित करके मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में
उत्पन्न कमल के समान स्वयं को बना दिया। यहाँ पर रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है। चलिए उसी के आगे, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। पशु बल की कारा, कारा माने जेल, जग माने संसार, और पशु बल का मतलब वही पाशविक प्रवृत्तियाँ। विमुक्ति का तात्पर्य है मुक्ति या मोक्ष। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। पंत जी कहते हैं कि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गांधी जी, जिस समय यह संसार पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद होकर के करहा रहा था, पशु बल की कारा से जग को, जग माने संसार, जिस समय यह संसार पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद होकर के कराह रहा था, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, उस समय तुमने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति की राह को दिखाया। जिस समय संसार पाश्विक प्रवृत्तियों में बंध करके करा रहा था, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, उस समय तुमने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा के मोक्ष का राह को दिखाया, आत्मा के मोक्ष की राह को दिखाया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, और इतना ही नहीं, आपने ही ईर्ष्या द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से, विद्वेष घृणा से लड़ने को, इतना ही नहीं, आपने ईर्ष्या द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, प्रेम की, प्रेम का व्यवहार करने का दुर्जेय रास्ता बताया। आपने ईर्ष्या द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वालों से प्रेम का व्यवहार करने की सीख दी, करने की प्रणाली को सिखाया। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीति उक्ति, परिणित माने परिवर्तित, वर श्रम प्रसूति, वर माने श्रेष्ठ, और श्रम प्रसूति का अर्थ है श्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। तो वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति। फिर वो कहते हैं, पंत जी गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, कृतार्थ कर दिया परिश्रम के द्वारा, परिश्रम से, श्रम के द्वारा अपने अंदर उत्पन्न विचारों को आपने कृतार्थ किया, यानी कार्य में परिवर्तित कर दिया। तुमने विचार परिणित उक्ति माने कहना। तो वही पंत जी गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उसे व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिखाया, और इस प्रकार वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, और इस प्रकार अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में श्रेष्ठ कार्य करके उसे श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ किया है। फिर से देख लीजिए, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्त। पंत जी कहते हैं कि हे बापू,
आपने अपने विचारों को मात्र कथनों तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उसे व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिखाया, अर्थात अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कड़े कहे जाने वाले कथनी को श्रेष्ठ कर्म में परिवर्तित करके आपने अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले श्रेष्ठ कर्म को या अपनी कथनी को श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ कर दिखाया या उसे कर दिखाया। विश्वानुरक्त हे अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। पंत जी कहते विश्वानुरक्त विश्व से प्रेम करने वाले अनासक्त आसक्तियों से रहित अर्थात इच्छाओं से रहित। पंत जी कहते हैं कि हे विश्व से प्रेम करने वाले आसक्तियों से रहित हे गांधी सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आपने अपना सर्वस्व त्याग करके आप अपना सर्वस्व त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वालों में से थे। विश्वानुरक्त या फिर से यहाँ से देख लीजिए, वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परणित उक्ति। हे बापू, आपने अपने विचारों को मात्र कथनों तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उसे व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिखाया, अर्थात अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाली कथनी को श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से उसे कृतार्थ कर दिखाया। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। हे विश्व से प्रेम करने वाले आसक्तियों से रहित हे गांधी, आप सर्वस्व त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वालों में से थे। तो यहाँ पर अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश, इतने अलंकार हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश, इतने अलंकार हैं। रस शांत ही है और गुण प्रसाद नहीं, गुण ओज है, अर्थात लोगों के अंदर ओज की भावना भर रहे हैं पंत जी। लोगों को गांधी जी के विचारों से सीख लेकर के उसी अनुसार स्वयं को परिवर्तित करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए रस शांत तो है लेकिन यहाँ पर गुण ओज होगा। आया समझ में? चलिए, तो जो आपको पढ़ाया था वो समझ में आ गया? चलिए उसके आगे चलते हैं। उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, कुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। उरके चरखे में कात सूक्ष्म, उर माने हृदय और चरखा जो गांधी जी चरखा चलाते थे, तो यहाँ पर कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपके द्वारा संचालित जो चरखा आंदोलन था वो केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं था। अभी हम उसके पहले का थोड़ा सा सार लेके चल रहे हैं कि कवि इस लाइन के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसके पहले हम आपको ये बता रहे हैं, उरके चरखे में कात सूक्ष्म, कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपके द्वारा संचालित जो चरखा आंदोलन था वो केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके ही नहीं चलाया गया था, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उस आंदोलन का उद्देश्य
अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था। तो पंत जी बापू को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, आपके द्वारा चलाया गया जो चरखा आंदोलन था वो केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रख कर के ही नहीं चलाया गया था, बल्कि उस आंदोलन का मूल उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था। और इसीलिए उड़ के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। आपने उस चरखे के समान ही उड़ के चरखे में आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर न जाने कितने युगों से छिपी हुई युग युग न जाने कितने युगों से छिपी हुई वेदना दुख को कात करके उसका रूप परिवर्तित कर दिया। विषाद माने वेदना, विषय जनित माने वासना से उत्पन्न, उर माने हृदय। तो उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर युगों युगों से छिपी हुई वेदना को कात करके उसका रूप परिवर्तित कर दिया। अगुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। आपने भौतिक वासनाओं को त्याग करके, गुंजित माने गुंजायमान कर देना, गगन माने आकाश, जग माने संसार, और निनाद का मतलब संगीतमय गूंज। तो कवि कहते हैं गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। कि हे बापू, आपने भौतिक वासनाओं का परित्याग करके अपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को आकाश में गुंजायमान कर दिया। आपने अपनी भौतिक वासनाओं को त्याग दिया और अपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को इस संसार के, आत्मा के आनंदमयी संगीत से संसार को गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद। स्पृहालाद का अर्थ होता है इच्छा और प्रसन्नता। पहले खादी सफ़ेद रंग की होती थी, केवल सफ़ेद होती थी, लेकिन गांधी जी ने खादी को कई रंगों में रंगवा दिया। तो अब पहले सिर्फ सफ़ेद कपड़े जो है वृद्ध लोग ही पहनते थे, या जो मैच्योर हो जाते थे वो पसंद करते थे, छोटी उम्र के लोग नहीं पसंद करते थे। लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने खादी को भी कई रंगों में रंगवा दिया, तो जिससे अब छोटे बड़े सब उसको पसंद करने लगे। तो रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद। आपने चरखे से काती हुई और सूत से बनी खादी को, आपने चरखे से काती हुई और सूत से बनी हुई खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में, आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया। रंग रंग खत्तर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद। चरखे से काती हुई सूत से बनी हुई खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और प्रसन्नता को भर दिया, तथा मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। तथा मानव जीवन के लिए
नवीन युग और एक नवीन कला का सूत्रपात किया, मानवी कला के सूत्रधार। आपने मानव जीवन के लिए नवीन युग और एक नवीन कला का सूत्रपात कर दिया। और इतना ही नहीं, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। अभी तक जो लोग ये समझते थे कि विकास के लिए मशीनरीकरण आवश्यक है, तो आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता को प्रारंभ किया। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। अभी तक जो लोग मशीनरीकरण के द्वारा विकास की राह पर चलते थे, आपने उनके इस सोच को गलत साबित करते हुए यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को दूर कर दिया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता को जन्म दिया। अर्थात अब लोगों को आपने ये बताना प्रारंभ किया कि मशीनरीकरण के बिना भी हम अपना विकास और देश का विकास कर सकते हैं, क्योंकि मशीनरीकरण से केवल संघर्ष एवं दुख मिलेगा, क्योंकि मशीनरीकरण से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और जब तक हम अपने हाथ पैरों को चला करके अपने काम करेंगे, उतना ही सबको रोजगार मिलेगा और सबके दुख और संघर्ष जो हैं वो दूर हो जाएंगे। यहाँ पर अलंकार रूपक अलंकार है, केवल रस शांत है और गुण ओज है। चलिए आगे चलिए। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बला क्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। यहाँ पर पंत जी ने ये बताया है कि गांधी जी ने किस प्रकार विदेशियों को भगाकर भारतवर्ष को मुक्त कराया, उसी का वर्णन यहाँ पर पंत जी ने किया है। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी। पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था। साम्राज्यवाद, किसका साम्राज्यवाद? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद था वो भारतवासियों के लिए कंस के समान था। और बंदनी यानी कैदी, बंदनी माने कैदी, और भारतवासी जेल में कैद देवकी के समान पीड़ित थे। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बला क्रांत। पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों का साम्राज्यवाद जो है, अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद है सेट करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि तो साम्राज्यवाद था कंस बंदनी। अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद था वो भारतवासियों के लिए कंस के समान था। और बंदनी और भारतवासी जेल में कैद देवकी के समान पीड़ित थे। मानवता पशु बलाक्रांत तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित मानवता पशु बलाक्रांत। और जो मानवता थी वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी।
साम्राज्यवाद था कंस बंद में। पंत जी कहते हैं कि जो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था वो भारतवासियों के लिए कंस के समान था, और भारतवासी जेल में कैद देवकी के समान पीड़ित थे। मानवता पशु बलाक्रांत तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्य पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थे। श्रृंखला दासता, उसके पैर, श्रृंखला माने जंजीर, दासता माने जो अंग्रेजों के हम लोग दास थे ना, गुलाम, तो वही श्रृंखला दासता। उसके पैर परतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे, उसके पैर परतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। प्रहरी बहु, प्रहरी माने पहरेदार और बहु माने अनेक, और निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, इतने का अर्थ एक साथ होगा, प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। शक्ति भ्रांत का मतलब शक्ति के कारण भ्रमित, अर्थात जब किसी को अधिक शक्ति मिल जाती है तो वो भूल जाता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। तो शक्ति भ्रांत का मतलब शक्ति के कारण भ्रमित। तो प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, पद और शक्ति के कारण भ्रमित, शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। प्रहरी माने पहरेदार थे, तो प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, पद और शक्ति के कारण भ्रमित, शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी जेल के पहरेदार थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत। जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को, जेल में जन्म दे करके कंस के अत्याचारों का दमन कराया था, देवकी ने जेल में श्री कृष्ण को जन्म दे करके कंस के अत्याचारों से समाज को मुक्त कराया था, ठीक उसी प्रकार से हे बापू तुमने भी मानव आत्मा को मुक्त कांत, ठीक उसी प्रकार हे बापू तुमने भी देश के कल्याण के लिए, अनेक बार जेल जा करके मानव जीवन को मुक्त कराया, मानव आत्मा को मुक्त का, कारागृह में दे दिव्य जन्म। जिस प्रकार देवकी ने जेल में श्री कृष्ण को जन्म दे करके समाज को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया था, ठीक उसी प्रकार से हे बापू आपने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जा करके मानव जाति को मुक्त कराया। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। भारतवासियों का शोषण करने वाली नत माने नतमस्तक करना, पद प्रणत माने अपने पैरों पर झुका करके, भारतवासियों का शोषण जिस प्रकार से जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल जा रहे थे जन्म के पश्चात चुने छोड़ने के लिए, तो यमुना बढ़ती जा रही थी और श्री कृष्ण जी के चरणों के स्पर्श मात्र से ही यमुना का जल क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को,
ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में सदैव के लिए शांत भाव से झुका दिया। तो इस प्रकार से बढ़ती हुई यमुना को श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से शांत कर दिया। ठीक उसी प्रकार से आपने भी भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को अपने चरणों में शांत भाव से आपने झुका लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचार को अपने सत्य और अहिंसा के आदर्श से समाप्त कर दिया। यहाँ पर रूपक दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है। चलिए इसी के आगे चलते हैं कि काराथी संस्कृत विगत भक्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम। कारा माने जेल और संस्कृति जो हम अपने जीवन में आदर्शों को दैनिक जीवन में अपनाते हैं उसे ही बोलते हैं संस्कृति। तो कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, भित्ति माने दीवारें। तो पंत जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंदी बन गई थी। कारा थी, कारा माने जेल में बंद थी। जब से अंग्रेजों का शासन हुआ, जब से हम उनके गुलाम बन गए, तब से हमारे अपने विचार, अपने रीति रिवाज, संस्कृति सब खत्म हो गए थे। हम वही करते थे जो अंग्रेज कहते थे। तो इसीलिए पंत जी कहते हैं कारा थी संस्कृति, हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंदनी थी। अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुसार ही संचालित होता था। विगत भित्ति और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने को स्वतंत्र न थे। हमारे बीच में बहु धर्म जाति गति रूप नाम, हमारे बीच में धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी हुई थी। भित्ति माने दीवारें। तो कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम। तो पंत जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंदी बनी हुई थी। अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुरूप ही चल रहा था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता न थी। और हमारे बीच में अंग्रेजों ने धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले के रूप में अनेक दीवारें खड़ी कर दी थी जो कि हमारी प्रगति में बाधा बन रही थी। बंदी जग जीवन, हमारा जो जीवन था वो बंदियों के समान हो गया था। हमारा संपूर्ण सामान्य जन जीवन ही बंदियों के समान कैद हो गया था। भू विभक्त, भू माने पृथ्वी और ये संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर बट गई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था, हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट दिया था, जमीन के नाम पर बांट दिया था। तो बंदी जग जीवन, हमारा संपूर्ण सामान्य जन जीवन कैदियों के समान हो गया था और संपूर्ण धरती जो है वो क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने। विज्ञान मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख। विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन यानी मूर्ख, विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने की कोशिश कर रहा था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो विवेकहीन पुरुष थे
वो प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। और ऐसी विषम परिस्थितियों में आए तुम मुक्त पुरुष कहने, ऐसी विषम परिस्थितियों में हे गांधी आप हमारे मध्य जीवन मुक्त योगियों के रूप में अवतरित हुए। मुक्त माने जीवन मुक्त, साधुओं के समान, योगियों के समान। तो विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने, विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार संचालित करने की कोशिश कर रहा था। और ऐसी विषम परिस्थितियों में हे बापू आप हमारे बीच जीवन मुक्त योगियों के समान अवतरित हुए और मानवता को विसंगतियों से मुक्त कराने के लिए हमें यह संदेश देने लगे कि मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम मा भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, आपने हमें ये बताने की कोशिश की कि इस संसार में मिथ्या माने झूठा है, सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। ऐसे समय पर जब ये मनुष्य, विवेकहीन मनुष्य इस प्रकृति को अपनी इच्छानुसार संचालित करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे समय में आप जीवन मुक्त योगियों के समान हमारे समक्ष अवतरित हुए और इन संगतियों से मुक्त कराने के लिए हमें यह संदेश देने लगे कि ये संसार के सारे बंधन या सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। सत्य राम, इस संसार में यदि कुछ शाश्वत और सत्य है तो वह राम का नाम है, सत्य राम। इस संसार में यदि कुछ शाश्वत और सत्य है तो वह केवल राम का नाम सत्य है। नानृतम जयति सत्यम भाम, नानृतम माने असत्य, यहाँ असत्य की जीत नहीं होती है बल्कि सदैव सत्य की जीत होती है। नानृतम जयति, यहाँ असत्य की जीत कभी नहीं होती है, सत्यम मा भय, सदैव सत्य की ही जीत होती है। इसलिए तुम डरो मत, भयभीत मत हो भय, इसलिए हे भारतवासियों तुम डरो मत। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, ऐसे ज्ञान की ज्योति को जगाने वाले हे ज्योति पुरुष हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, ऐसे ज्ञान की ज्योति को जलाने वाले हे ज्योति पुरुष हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ पे रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है, यहाँ पर गुण प्रसाद है, अब यहाँ पर ओज नहीं है। तो ये बेटा आपका सुमित्रा नंदन पंत का हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर समझ में आया तो ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए बेटा। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप सब लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और उस पर भी हमारे सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपके कमेंट्स, आपके शेयर और आपके लाइक से ही हमें ये पता चलता है कि हम कितने सफल हैं। एक चीज़ और, यदि आपको अबव 90 नंबर लाना है मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया मेरा अनुभव और मेरे बताए हुए रास्ते पर यदि आप चलेंगे तो निश्चित ही 90 से ज़्यादा नंबर आप लाएंगे। ये सिर्फ कथनी ही नहीं है बेटा, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, 4 या 5 महीने की बात है, बहुत दूर नहीं है। आप अपने रिजल्ट में देखिएगा कि 90 के आसपास या तो 90 से ऊपर या एक आध दो नंबर नीचे केवल इतना ही आपका नंबर आएगा, तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आप लोग खुद ही समझदार हैं, एक बार आपको ज्वाइन करके तो देखिए। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को मेरा प्यार भरा।